हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 10 क्षितिज भाग 2 का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भावार्थ, मतलब कि बोले तो समरी एक तरीके से। तो इसके कवि जो है वो है तुलसीदास। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तुलसी का बचपन जो है संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। ठीक है, इनके के प्रमुख कार्य की बात की जाए तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका की रचनाएं इन्होंने ही की है। यहाँ से हमारे पाठ का भावार्थ स्टार्ट होता है। ये कहते हैं, नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होइ केउ एक दास तुम्हारा, आए सु का कही किन मोही, सुनी विसाई भोले मुनि कोही, सेवकुन सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करिया लड़ाई, सुना राम जे ही शिवधन तोड़ा, सहस बाहु सम सौ रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जय ही सब राजा, सुनी मन मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरी अब माने, बहु धनी तोड़ी लड़िकाई, कबहु न सिरिस किन्हीं गोसाई, एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत, न तो ही न संभारे धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित संकल से सारा। यहाँ कहते हैं परशुराम के क्रोध को देखकर जो है श्री राम बोलते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला जो है आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करते तक के तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली है, किंतु आपके हक क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपूत काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात मुझे नहीं जानता। ठीक है, अब हम जो है लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुना हु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जन धन तोड़े, देखा राम नयन के बोरे, छुवत टूटू रघुपति ने दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सभाऊ न मोरा, बालक बोली बधौ नहीं हो तो ही, केवल मनी जड़ जानी मोह, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बीन किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही, सहस बाहु गुज छेद निहारा, परसु बिलो की मही कुमारा, मातु पिति सोच बस करसी मही सोरा, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है, बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरी इस फर्जी को देख, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। फिर उसके बाद जो है लक्ष्मण जी कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनिसु महा बटमानी, पनी पनी मी देखाओ कुठार, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, यहाँ कुम्हार बतिया कोहू नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु का सहित अभिमाना, भृगुसूत समझी जनेऊ बोल बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रिस को रोकी,
सुर मही सुर हरिजन अड़ुगाई, हमरे कुल इन पर न सरा सुराई। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मारत पा परिया तुम्हारे, कोटि कुलिस सब बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरा धन बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहे उ क्षमा महामधीर, सुनि सरोस भृगु वंश मनी बोले गिरा गंभीर। अर्थ, लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया बहुत छोटा फल नहीं है, जो तर्जनी अंगूठे के पास की जो उंगली होती है, पहली उंगली उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गायों पे इन पर हमारा कुल में जो है वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने के से पाप लग होता है और इन्हें हार जाने पर अपकृति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निजकल कुल घालकु। मानु बस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कब भूलु होई छन मोही, कहूं कहूं पुकारी खोड़ी मोही नाही। तुम हट कह जो चह है उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु तुम हमारा। लखन के हे वो मुनि सज सूझ तुम्हारा, तुम ही अछत को बढ़ने पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बीड़ अनेक भांति बहुवर्णी। नहीं संतोषु त उनी कहु छु कहु, जनी रीस रोकी दूसु दे दुख सहु। बीड़ ब्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सुर समर करनी करही, कही न जना वही आपु। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथी प्रतापु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा बुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह में अपनी करनी अनेकों बार बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असहिय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में जो है उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मुनि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे उकर घोड़ा। अब जनी देव देई दोसु मोहि लोग, कटवादी बालक बज बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मर निहार भा सांची सांचा। कौशिक कहा, क्षमिय अपराध, बाल दोष गुन गननी न साधु। खर कुठार मैं अकुलुन काही, आगे अपराधी दुर्द्रोही। उतर दत छोऊ बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एही काटी कुठार कठोरे, गुड़ही उड़िन होते हूँ श्रम थोड़े। गाधी सुनु कै हृदय हसी मुनि ही, हरियर हरियर सुख सूझ। अयमय खाड़ न खुमाई, आजू न बूझ अबूझ। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फर्चे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर यह अभी सचमुच मरने को ही आ गया है। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को जो है साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रही तो क्रोधी और यह द्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सो
हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उड़ीन हो जाता। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये भी श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खार है, रस की खार नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं और राम लक्ष्मण को जो है साधारण स्त्रिय ही समझ रहे हैं, क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। कहे उ लखन मुनिशील, तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, माता पिति उड़िन भय नीके, गुरु निरु रहा सोचु बड़ जी के, जो सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिया व्यवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली, सुनी कटु बचन कठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर प्रसु देखा वहु मोही, विप्र बिचारी बचहु निप दोही, मिले न कबहु सुभट रेन गाढ़े, द्विज देवता घड़ी के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखनु मन नेवारे, लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषान बड़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है, आप माता पिता से तो अच्छी तरह उड़ीन हो ही गए हैं, अब गुरु का भी ऋण, गुरु का ऋण रहा है, जिसकी जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे काट आया था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी जो है बहुत बढ़ गया होगा, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा जो है हाय हाय करके पुकार उठाई। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुरेश श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया, लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को जो बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र भी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। तो यही पे जो है हमारा चैप्टर खत्म होता है, यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी वीडियो में, बने रहे हमारे साथ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।